Hi guys, I'm Neetu Nigam and welcome to my channel, My Paathshala by Neetu Nigam. आज मैं आपके लिए एक CBSE स्कूल के सैंपल पेपर लेकर आई हूँ क्लास 5th कंप्यूटर सब्जेक्ट से कि किस प्रकार के क्लास 5th में एनुअल एग्जाम क्वेश्चंस पेपर आएंगे. तो चलिए देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 में टिक द करेक्ट आंसर्स हैं. पहला ऑप्शन है हेडर इज द सेक्शन of the document that appears in the dash margin, left, right, top or bottom. Next question number 2. Flipart command is present in group. Flipart command कौन से group में रहता है? Image, font, paragraph या text group. Number 3. A logical step by step method to solve the problem is called. Logical step by step method से किसी problem को अगर solve किया जाए तो क्या कहलाता है? Flowchart, algorithm, program या software. Number 4. Email messages display in inbox, draft, outbox, compose. Email message हमें कहाँ दिखता है? Inbox में, draft में, outbox में या compox में? Match the following. Spelling mistake, pressure, numbering, rectangle, diamond, array. इधर आपको मैच के लिए दिया गया बॉटम, प्रोसेसिंग, डिक्शनरी, लिस्ट, फ्लो, डिसीजन. इसको हमें मैच करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. फिल इन द ब्लैंक्स. एमएस वर्ड कैन ऑटोमेटिकली सर्च योर डॉक्यूमेंट यूजिंग द डैश टूल. नंबर 2. अ न्यू ब्लैंक विंडो अपीयर्स विथ डैश टाइटल. नंबर 3. एंड डैश represent a start or end point. Number 4. Email is the faster and dash means of communication. Number D. Look at the video font group and name the following commands name. ये एक font group दिया गया है और numbering की हुई है. इनके हमें name लिखना है. ये कौन से group कहलाते हैं, ये कौन सा group कहलाता है, इस तरह इसके name हमें बताना है. Look at the email address and name the different part. जब हम email address लिखते हैं तो उसके different parts जो हैं वो हमें क्या लिखना है. ये numbering किया गया है, ये यहाँ पर 2 दिया हुआ है और यहाँ पर 3 दिया गया है. इसको हम क्या बोलते हैं? इसके email address and name different part हमें लिखना है. क्या कहलाते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आंसर इन द फॉलोइंग इन शॉर्ट. शॉर्ट में हमें इसका जवाब देना है. नंबर 1. व्हाट इज द यूज ऑफ थ्रेशर टूल्स. थ्रेशर टूल्स का क्या उपयोग होता है. नंबर 2. व्हिच टूल इज यूज टू चेंज वर्ड इन डॉक्यूमेंट. कौन से टूल्स का यूज हम डॉक्यूमेंट के वर्ड को चेंज करने के लिए करते हैं. नंबर 4. राइट नेम्स ऑफ एनी 4 फॉर्मेटिंग टूल्स इन एमएस पावरपॉइंट. एमएस पावर पॉइंट में हमें कोई भी 4 फॉर्मेटिंग टूल्स के नेम लिखने हैं. नंबर 4. विच सिंबल इज यूज फॉर डिसीजन. डिसीजन के लिए कौन सा सिंबल यूज किया जाता है. नंबर 5. नेम एनी 2 साइट्स फॉर ऑफर फ्री ईमेल सर्विस. 2 साइट्स के नाम लिखना है जो कि हमें ईमेल सर्विस, फ्री ईमेल सर्विस ऑफर करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. आंसर द फॉलोइंग. राइट स्टेप टू रिप्लेस वर्ड इन एमएस वर्ड. वर्ड को हम रिप्लेस एमएस वर्ड में कैसे करते हैं, इसके स्टेप्स हमें लिखने हैं. नंबर 2. राइट स्टेप टू इंसर्ट क्लिप आर्ट इन अ स्लाइड. हमें इंसर्ट क्लिप आर्ट, स्लाइड में हम क्लिप आर्ट कैसे इंसर्ट करेंगे, उसके स्टेप्स लिखने हैं. नेक्स्ट नंबर 3. What is flowchart? Flowchart क्या होता है? Explain all shapes and box used in flowchart. हमें flowchart क्या होता है ये बताना है. साथ ही flowchart में जो shapes और box जो कि use होते हैं, उन सभी shapes और box के use को हमें explain करना है, बताना है. Number 4. Draw a flowchart to find out the average of 3 numbers. एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है और उसमें हमें 3 नंबर्स के एवरेज को फाइंड करने का एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है. नंबर 5. राइट एनी 3 एडवांटेज ऑफ ईमेल सर्विस.
ईमेल सर्विस के 3 एडवांटेज हमें लिखने। तो ये था क्लास 5th का इस साल का एनुअल एग्जामिनेशन में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे ये आपने देखा। जिन बच्चों के अभी एग्जाम नहीं हुए हैं उनके लिए ये क्वेश्चन पेपर यूजफुल हो सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें अवश्य बताएं, और साथ ही आप हमें यह भी बताएं कि आप और क्या देखना चाहते हैं, किस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं कि आप देखना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।